So well, hey guys, namaste, welcome back to my channel और this is me Khushi. So friends, जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो है सर्दियों की सीजन आ चुकी है और इस सीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो है आपके बालों की. और इस सीज़न में जो है बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि बालों में सबसे ज़्यादा होती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम और इसकी वजह से जो है आपके हेयर फॉल होने लगते हैं, आपके बाल टूटने झड़ने लगते हैं, साथ ही आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज्ड हो जाते हैं. और ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि सर्दियों में मेरे हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं. और आई नो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ. तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए. वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना. चैनल पे पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, बालों की बात की है तो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बालों में ऑयलिंग करना. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है शैम्पू करना, देन आप कंडीशनर, सीरम, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपने हिसाब से करते हो, बट मेन जो दो बेसिक चीज़ होती है वो है आपके हेयर की ऑयलिंग और सेकंड जो है हेयर को शैम्पू से वॉश करना. तो ऑयलिंग के लिए तो आप जो है मैं यही सजेशन दूंगी कि बेसिक से बेसिक ऑयल यूज़ कीजिए. आपको जो भी ऑयल पसंद आता है वो एकदम बेसिक हो, रॉ फॉर्म में हो, लाइक कोकोनट है, आलमंड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, जो भी आपका फेवरेट ऑयल हो, अच्छे से वीक में दो बार ऑयलिंग ज़रूर कीजिए हेयर के लिए. और हेयर वॉशिंग की बात करूँ तो आपको वीक में दो बार हेयर वॉश भी करनी चाहिए ताकि आपकी स्काल्प जो है क्लीन रहे, साफ रहे और डैंड्रफ जैसी समस्या आपके बालों में ना आए, धूल मिट्टी डस्ट से आपके बाल जो है बचे रहें. और अगर आपकी स्काल्प क्लीन है तो ऑब्वियसली आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. और मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे हार्ड केमिकल वाले और सल्फेट वाले बहुत ही हार्ड शैम्पूस मिलेंगे जो कि आपके बालों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो ए नेचुरल्स के हर्बल शैम्पू प्लस कंडीशनर को, जो कि एक 2-in-1 प्रोडक्ट है. और आप जानते हो मैं ए नेचुरल्स ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, इस्तेमाल कर चुकी हूँ, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो फ्री होते हैं SLS से, पैराबिन से और हार्श केमिकल से. ये सारे ही ऑल नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं. ये जो शैम्पू है आपके बालों को जड़ने से रोकता है, साथ ही आपके जो बाल है उसको सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाता है. इसके अलावा ये आपके बालों को स्ट्रेटनिंग इफेक्ट देने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये 2-in-1 शैम्पू है. इसके साथ जो है आपको कंडीशनर इफेक्ट भी मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ये आपके बालों में काफ़ी अच्छा वर्क और इफेक्ट दिखाता है. और साथ ही ये जो है आपके बालों में हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और डैंड्रफ कंट्रोल करने में तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. 2 से 3 वॉश में ही आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है. आपको जो है इसका यूज़ करने के बाद बहुत लाइट वेट फील होगा अपने बालों में. और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा आपके बालों में जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, रफनेस आ चुकी होगी, साथ ही आपकी जो हेयर है वो ग्रे होना भी स्टार्ट हो चुके होंगे. तो ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, हर्बल है, आयुर्वेदिक है, सारे ही इसमें जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. एप्पल साइडर विनेगर है इसमें, ग्लिसरीन है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, कैलेंडुला ऑयल है, एलोवेरा भी ऐड किया हुआ है. और इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट है आप स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे. इसकी सारी जो गुडनेस है यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दी हुई है. ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं. 2 से 3 यूसेज के बाद ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा. और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये देखिए इस तरह की बॉटल मुझे रिसीव हुई है. इसमें आपको फुल भर के यहाँ तक शैम्पू रिसीव हो जाएगा. ये जो है 300 ml की बॉटल आपको मिलती है. और इसके रेट की बात करूँ तो ये जो है कुछ अराउंड आपको 500 rupees का मिल जाएगा. बट डोंट वरी गाइज, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एकदम डिस्काउंटेड लिंक दूंगी जहाँ से ये आपको
बहुत ज्यादा बजट में मिल जाएगा। साथ ही स्क्रीन पे इनका जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगी, तो आप यहाँ से भी इजीली घर बैठे कॉन्टेक्ट करके इसे मंगवा सकते हो। और इसे यूज करने का तरीका बताऊं तो आपको अपने बालों को अच्छे से गीला कर लेना है, इसके बाद जितनी क्वांटिटी आपको यूज होती है उतना अमाउंट ही आपको लेना है। अगर ज्यादा क्वांटिटी भी ले ली गलती से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हर्बल और नेचुरल शैम्पू है। और अच्छे से एक मिनट तक अपने हेयर को इससे क्लीन करिए, उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। आप जब भी अपने बालों को टच करोगे आपके बाल इतने ज्यादा सिल्की फील होंगे, और इसके अलावा इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है गाइस। मुझे तो एटलीस्ट 3-4 दिन तक इसकी फ्रेग्रेंस जो है फील हो रही थी, तो ये बहुत एक अच्छा परचेज है स्पेशली इन विंटर सीजन। तो आप चाहो तो इसे जरूर परचेज कर सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी तरह के नए नए प्रोडक्ट्स रिव्यू देखने के लिए आप जो है मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।